अपना शहर अपनी बातें अपना शहर अपनी बातें सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कहीं पे चोरी कहीं पे डाका ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका मंत्री मोजी पाड़े का न्यूज अपनी चक पटा पटाका पटा पटाका पटा पटाका खबर दर खबर पहुँचे आपके घर देखे न्यूज ये पूरा शहर News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें. सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते हम आपके लिए लाते कोणार्क अपना शहर अपनी बात नमस्ते कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी जो हार्दिक स्वागत कयां थी पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी कोणार्क अपना शहर अपनी बातें पैनल नंबर 17-B में चूंडूं वरी थियणियूं आहिनि जंहिंमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीअ जे लाइ सुमन सचदेव खे उमेदवार तौरु बिहारियो वियो आहे असां पंहिंजे चैनल जे द्वारा नगर सेवक भरत गंगोत्री ऐं सुमन सचदेव खां इंटरव्यू वरितोसीं 17-B में जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें अगर विकास की बात करें तो कहना ऐसा है कि इतने सालों में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ और दो गुटों के आपस के लफड़े में जो है लड़ाई जो झोंक में जो है इस पैनल का विकास रुका हुआ है इस तरीके के आरोप पे तो क्या कहना है आपका पहली बात तो 2017 में जो हमारे को पैनल को पूरी जीत मिली थी जिसमें चारों कैंडिडेट राष्ट्रवादी के जीते थे वो विकास के नाम पे जीते थे और इस बार भी हम विकास को ही लेके वोट मांग रहे हैं और उसमें हमारी जीत निश्चित है और इसमें जो सामने वाले आरोप लगा रहे हैं जो जिन लोगों ने कभी उल्लास नगर का सिंगापुर दिखाने का सपना दिखाया था आज वो पूरा कंक्रीट जंगल बना दिया है वो सब उनकी मेहरबानी है शहर के अंदर और इस कारण आज उल्लास नगर शहर से जो लोग उल्लास नगर छोड़ के बाहर जा रहे वो उनको समझना चाहिए अभी भी खाली अपने मतलब की राजनीति छोड़ के अगर शहर हित में सोचेंगे तो शायद हमारे जैसा हमारा पैनल है ऐसा वो पूरे शहर को बना सकते हैं आज हमारा पैनल के अंदर जो प्लानिंग और रोड रास्ते गार्डन्स है और हमने उनको बचाया है सुरक्षा दी हुई है हमने आज तक किसी को जमीन हड़पने नहीं दी है अगर ऐसी तरह से काम होवे तो हमारा उल्लासनगर वापस से एक अच्छा शहर बन सकता है और जो लोगों को उन्होंने सपना दिखाया वैसा बन सकता है तो मैं ऐसा चाहूँगा कि उनके जो आरोप है वो बेबुनियाद है और हमारी जनता हमारे को विकास के साथ ही चुना के लाती है और हमें पे भरोसा करती है उसी हिसाब से एक ही पार्टी के चारों कैंडिडेट एक साथ चुन के दिया है और उसी तरह आगे भी हमको हमारे जो सुमन सचदेव करके कैंडिडेट है उनको वो अच्छी लीड से जिताएंगे ये मुझे भरोसा है जैसे कि आप सबको पता है पैनल नंबर 17 में बाय इलेक्शन हो रही है मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से विजय कराएं और मेरे ऊपर विश्वास रखें और माता रानी का आशीर्वाद रहा तो हम विजय हो जाएंगे जो एनसीपी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है उस पर खरी उतरूंगी और विकास करूंगी धन्यवाद कोणार्क अपना शहर अपनी बातें फॉलोअर लेन ते एक बाहि लगण की घटना सामू आई है बुधायो वञे थो त टाटा जे वायर जे शॉर्ट सर्किट जे करे ही घटना थी है पेश है इन बारे में एक रिपोर्ट उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के फारवालाइन चौक परिसर में एक दुकान पे आग लगने की घटना सामने आई बताया जाता है कि टाटा की वायर के कारण जो है शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे आग लगी बहरहाल जिस तरह से जब आग लगी तो तुरंत ही वहाँ पे फायर ब्रिगेड की दमकल विभाग के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और जल्द से जल्द उन्होंने आग पे काबू पाया किसी भी प्रकार की यहाँ पे जान की हानि नहीं हुई है लेकिन जो संपत्ति है उसका यहाँ पर नुकसान हुआ है
बहरहाल इस शॉर्ट सर्किट से शहर में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आती रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वामी हंसमणि महाराज डिग्री कॉलेज में हंस वॉल्यूम 3 एनुअल मैगजीन जो विमोचन कयो वियो। पेश आहिन कुछ झलकियूं। Myself Sunita Sidhani from Swami Hansmuni Maharaj Degree College of Commerce. I am very much happy today we launch our volume 3 magazine Hans, annual magazine of our college. So I am very much thankful to all our teaching and non-teaching staff and our principal madam for her continuous motivation and all the students who contributed towards the magazine and my entire editor team. Annual magazine of our college, this is our third magazine and this magazine contains articles from the students, their messages, their articles, their poems, their stories, and also teacher also contribute their articles, and we also have their photos of their academic photos, sports photo, and the entire activities done in the college is displayed in by the way of photos. Swami Hansmuni Maharaj Degree College of Commerce mein 2016-2017 जो कन्वोकेशन जो प्रोग्राम रखियो वियो जिते ग्रेजुएट्स के डिग्रियूं अता कई वयूं। इन मौके ते मैनेजमेंट जा केतरा ही पद अधिकारी मौजूद हुया। March 24, 2018, remarkable day in the history of those students, those who have completed their graduation in the academic year 2016-17. We at Swami Hansmuni Maharaj Degree College of Commerce, situated at Ulasnagar, conducted convocation ceremony, that is degree distribution ceremony for TYBCOM students. This event is conducted on behalf of University of Mumbai. The event started morning around at 10:30. Many of the students, those who have graduated in the year 2016-17, they registered their names, and all the degree distribution was done by our college president, Shri Nand Jethani, our secretary, Honorable Ms. Rekha Thakur, and college principal, Dr. Prema Gurbakshani. All the students received their degrees after completion of TYBCOM, and all the students, those who were in TYBI, that is banking and insurance, they were also awarded with the same. Hi, this is Tina. I done my graduation from SHM College. I'm really very happy with this graduation certificate, and here all my friends are there, and here all the professors. I would like to thank all the professors. Thank you, all of you. Thank you so much. Hi, I'm Manish Gurbani. I'm joined this college 3 years before, and today I am graduate. I am very happy to join this college. All the professors in this college are super talented, and they help every students to get graduate. So vote this college and hope this college will grow more big. Thank you very much. From TYBBI, and I got degree. I am so happy, and right now I'm working with ICICI Bank. So thank you so much to this college and to all professors. Thank you so much. Konark, अपना शहर, अपनी बातें। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जो 23 मार्च शहीदी दिन है। प्रबल एनजीओ जे पारा हन शहीदी दिवस ते एक प्रोग्राम रखियो वियो एंड केतरनी निष्कामी सेवादारन के सम्मानित कयो वियो। हन प्रोग्राम में नगर जूं केतरी मुइज्ज़ हस्तियों मौजूद हुयो। से पहन झांसी की रानी मिट गई ऐसी आन से, आज उसी को पहन के निकला
पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला प्रबल टीम का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला। प्रबल एनजीओ, आई थिंक ऐसा एनजीओ है शहर का, मैं कई वर्षों से इस एनजीओ को, इस एनजीओ की पूरी टीम को पूरे निस्वार्थ भाव से शहर की सेवा करते हुए देख रही हूँ, तो जोरदार तालियां प्रबल एनजीओ टीम के लिए। आज जिस तरीके से हम शहीद दिवस मना रहे हैं और जो कोशिश इन्होंने की है राम भाई ने और पूरी प्रबल एनजीओ की जितनी भी टीम है, इनको हैट्स ऑफ है। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं शहर के बड़े बड़े मुद्दों को हमेशा से, और शहर को ये बात कहें कि कुछ लोगों से बेचने से ये बचाने की कोशिश करते रहते हैं। राम भाई, 23 मार्च यानी कि शहीदी दिवस किस तरीके से मनाया जाता है हर साल, जिस तरीके से आप युवाओं को इकट्ठा करते हैं और जो भगत सिंह की जो सोच है उसकी उम्मीद को जो है आप जागरूक रखते, तो इस बार जो प्रोग्राम रखा गया किस प्रकार से रखा गया और जो युवाओं को संदेश देना चाहेंगे वो किस प्रकार का देना चाहेंगे? जिस तरीके से मैं शहर में एक क्रांतिकारी संगठन चला रहा हूँ उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने हर साल कुछ ना कुछ भगत सिंह की बलिदान दिवस पर कहता हूँ, ताकि शहर के युवा जो कि इस समय मौज मस्ती में डूबे हुए हैं, हमारे भगत सिंह जी 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे और आज हमारे 30 साल का युवा भी अपनी मस्ती में डूबा रहता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ आप मौज मस्ती कीजिए बट शहर के लिए थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। मुझे पता है सभी युवा अपने माँ बाप से काफ़ी प्यार करते हैं, जब भगत सिंह जी को फांसी हो रही थी तब उनकी मम्मी उनके पास आई और उनकी आँखों से आंसू झलक पड़े तो भगत सिंह ने कहा, बेबे तू रोती क्यों है, लोग कहेंगे कि भगत सिंह की मार हो रही है, तो बेबे ने कहा ये जो आंसू है खुशी के आंसू नहीं है और मैं तुझे इस बात का वचन देती हूँ कि जिस दिन तू फांसी पर चढ़ेगा हजारों माताएं लाखों भगत सिंह को जन्म देगी। तो उनकी बातों को मेरे दिल में काफ़ी लगती है, मैं चाहता हूँ शहर के युवा थोड़ा समय निकाल के भगत सिंह के बारे में पढ़े और उनकी तरह जहीं कहीं भी जुल्म हो, जहाँ कहीं अत्याचार हो, तुरंत उनका सामना कीजिए। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। 23 मार्च ते अमर शहीद हेमू कालाणी जो जन्म ॾींहुं आहे। हिन मौके ते उन जे पुतले ते फूल मालाऊं चाढ़े ऐं उन जे नंढड़े जीवन जा तमाम सुठा ऐं निष्काम कार्य याद कया विया। आज सी को पहन के निकला अमस्तो का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। एक सिंधु सपूत अड़ो एक असांजो वीर जै जन्म वरतो सिर्फ पैं देश लाए कें भी गाल जी परवाह न करे पैंजी उन कुर्बानी कई। अज इन संतन महापुरुषन वीरन जा असा जन्मदिन मनायूं था, उन्हें जी वर्सियों क्यों था, उन्हें करण सा जेको फायदो मुखे नजर अचे तो वद में खुशी जी गाल है तो अज असा इन जन्म उत्सव से असी सब इतने कठा थे दिठो तो घट में घट 8-10 जणन असा जो सीनियर्स हैं उन्हें इन हेमू कालाणी के बारे में गालायो, तो असा के कुछ न कुछ उन्हें गालण में उन्हें जीवनी जी बारे में असा खबर पई जेका गाल बहुत जाम जरूरी है तो असाजी जेका नई पीढ़ी है जी असाजे बोराड़े साहब चयो तो जेकी असाजी जवान पीढ़ी है उन्हें के हिनन वीरन के बारे में खबर पवन खपे तो अड़ा वीर हुआ जिन पैं देश से पैं जान कुर्बान कई। अज असा शहीद हेमू कालाणी जन्म ढी सचमुच उन पैं देश लाए पैं समाज लाए सजे भारतवासियों लाए जेकी उन कुर्बानी डी अज युवाओं के उनका सेखत वी करे पैं शहर लाए पैं समाज लाए चंदुम भाई कार्य करण खपे ऐं डेडिकेशन होजन खपे या शिक्षा वठन खपे तो सच्चे नमूने सा यो असो जन्म ढी मनाने यो यो संकल्प सार्थक थींदो। अज एक सौभाग्य चवंदुम अड़ी गाल भाई बई डेट्स असाजी मिलन थी अज शहीद भगत सिंह राजगुरु ए सुखदेव जो बलिदानी दिवस आ असाजे शहीद हेमू कालाणी जन्म ढी आ संजोग ना है
या एक भगवान जी ए साई जी मर्जी हुई तो देश लाए कुर्बानी देने लाए इन्हन जो जन्म 100% मां चवंदुमि भाई जरूरी हो या एक उन्हन जी डेडिकेशन हुई साई जी जे उन्हन जो जन्म थियो ए उन्हन अगते वधी करे पंहिंजे देश लाए कुर्बानी ॾिनी अॼु जे ॾींहं ते मां सभिनी खे शहरवासियुनि खे इन जी जाम जाम वधाई थो ॾियां कोणार्क अपना शहर अपनी बातें पूज कल्याण कार्य पंचायत जे पारां लारकाणा हाल में चेटीचंड जे मेले जो आयोजन कयो वियो हो जिते नगर जा केतिरा ई मुदवर मौजूद हुया सभिनी गॾिजी नची झूमी चेटीचंड मल्हायो चेटीचंड जो उल्हासनगर में जॻह जॻह ते ॾाढी धूमधाम सां सिंधियुनि जो नओं साल मल्हायो वञे थो ऐं अॼु हिते पूज लाड़काणा पंचायत में पूज कल्याणकारी पंचायत वारनि सभई जेके हिते आहे शॉपकीपर्स आहिनि एसोसिएशन ऐं हिन हीउ मुंहिंजो झूनो पाड़ो आहे मुंहिंजो घर बि हिते ई आहे त हिननि सभिनी गॾिजी करे हिते जेको अॼु मेलो लॻायो आहे तमामु सुठी मौज मचाई आहे लाल साईं जा मेला हमेशह हर हंधि अहिड़ा लॻंदा ई रहनि ऐं इहे मौजूं मचंदियूं रहनि असां सिंधी जिते बि हुजूं ख़ुशि हुजूं शादि हुजूं आबाद हुजूं ऐं हमेशह गॾु हुजूं लाल साईं असांजूं तकलीफ़ूं सभिनी जो दूरि कंदो कोणार्क अपना शहर अपनी बातें रोटरी इंटरनेशनल हिकु एन जी ओ आहे जेका सॼी वर्ल्ड खे पोलियो मुक्त करण लाइ कम करे रही आहे पहिरीं अप्रैल ते हिकु वॉकेथान रखियो वियो आहे जंहिंजे बारे में वधीक ॿुधाए रहिया आहिनि जवाहर वसियाणी रोटरी इंटरनेशनल एक एन जी ओ है जिसका सपना है पूरे विश्व से पोलियो मुक्ति इस दिशा में उन्होंने काफ़ी सालों से हर एक देश में फिनांस दिया है भारत से पोलियो मुक्त हो चुका है दुनिया में केवल दो देश अभी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान जिनमें अभी भी 22 केसेस पोलियो के पाए गए हैं इस वजह से हर साल भारत में अभी भी पोलियो के डोजेस दिए जाते हैं भले वो सरकार की तरफ से आते हैं मगर उसका पूरा फंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक रोटरी ऑर्गेनाइजेशन ही करती है जहाँ तक मेरा अंदाज़ है 18 मिलियन डॉलर्स के ऊपर रोटरी इंटरनेशनल ने पोलियो को मुक्त करने के लिए आज तक खर्चा किया है केवल भारत के ऊपर ही साथियों पोलियो मुक्ति के लिए हम रोटरी क्लब अब उल्लासनगर की जो भी क्लब्स हैं सब ने एक छोटा सा वॉकेथॉन रखा है 1 अप्रैल 2018 को गोल मैदान से यह वॉकेथॉन केवल 5 किलोमीटर के दायरे का होगा जो गोल मैदान पे ही ख़त्म होगा इस भव्य वॉकेथॉन के लिए हमारी सभी रोटरी क्लब की तरफ से शहरवासियों को अपील है कि वे आके इस मैराथन का इस वॉकेथॉन का एक हिस्सा बने जो भी 16 साल से उम्र का बड़ा है मेल चाहे फीमेल जवान बुजुर्ग सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैं सभी शहरवासियों को न्योता देता हूं कि आप इस वॉकेथॉन का एक हिस्सा बनिए साथियों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसों के तो नहीं चल सकती उसके लिए हमें डोनेशंस जो चाहिए वो शहरवासियों को हम अपील करते हैं कि जो शहर के ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको ईश्वर की तरफ से बहुत बड़ी असीम कृपा की हुई है वे डोनेशंस दें वे कॉरपोरेटर्स वे बिल्डर्स
वे ट्राइकॉन्स आइकॉन्स जिनको आप बहुत बड़ी शहर की हस्तियां मानते हैं, हम सभी उनसे निवेदन करते हैं कि आप जो भी डोनेशन दोगे वो रोटरी फाउंडेशन में जाएगा और उसके लिए आपको जो रिसिप्ट दी जाएगी वो हमारे इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80G में आपको उसका मुनाफा मिलेगा। मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि वे दिल खोलकर अपना दान दें। उल्लासनगर जो सब रोटरी क्लब्स मिली करे एक अड़े कॉज के लिए ही 1 अप्रैल वाकेथान जी आयोजना कई आहे। हिन जे लाए अवां सभिनी खे वेनती थी कजे त जीअं त सॼी दुनिया मां पोलियो सिर्फ़ु 2-3 कंट्रीनि में मिलियो आहे ऐं भारत देश मुक्त थी चुको आहे, हिन पोलियो जे लाइ सभई रोटरी क्लब्स उल्हासनगर जूं हीअ वाकेथान 1 अप्रैल सुबुह जो 6:30 बजे गोल मैदान तां आर्तवार जे ॾींहुं स्टार्ट थींदी ऐं उहा वाकेथान वरी असांजी वापसि इते ई ख़तमु थींदी गोल मैदान ते, जंहिंजे लाइ सभिनी शहरवासियुनि खे ऐं सभिनी 16 सालनि खां मथे जेके बि असांजा बुज़ुर्ग लेडीज़ चाहे जेंट्स उन्हनि खे रिक्वेस्ट आहे त हिन वाकेथान में शरीक थियनि ऐं समाजिक कार्य लाइ, हिन समाजिक कार्य लाइ जेका रोटरी क्लब हमेशह योगदान ॾींदी आई आहे ऐं काफ़ी उन में ख़र्चो थिए थो, उन जे लाइ जेको डोनेशन मुंहिंजे भाउ जवर वसाणीअ तव्हांखे ॿुधायो त जेका बि सपोर्ट थी सघे असांजे उल्हासनगर जे सभिनी प्रेसिडेंट्स सां संपर्क में अचनि ऐं जेको बि थी सघे पंहिंजे तन मन धन सां उन्हनि खे हैंड ओवर कनि, इहा तव्हांखे वेनती आहे। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। 26 मार्च ते असां सिंधियुनि जे समाज सेवक ऐं बहुगुणी शख्सियत श्री कमल पारवाणीअ जी वर्सी आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त असांजे सिंधी सुगंध में कमल साहिब कीअं न सभिनी खे नचाईंदा ऐं झुमाईंदा हुआ। सॼे कोणार्क परिवार ऐं सिंधी सुगंध जे टीम जे पारां उन्हनि खे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण कई थी वञे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अचो तो विझूं था नजर नगर में थींदड़ कुछ अपराधिक घटनाओं ते। उल्हासनगर एक सी ब्लॉक परिसर में भारत तोलानी नामक पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। संबंधित पत्रकार के साथ किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई है। पूरा मामला उल्हासनगर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 324, 504 और 34 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्हासनगर 4 श्रीराम चौक परिसर से जितेंद्र भोईटे नामक व्यक्ति की ऑटो रिक्शा चोरी की घटना सामने आई है। इस ऑटो का नंबर है MH05CG9860। ये पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 379 के तहत मिसिंग ऑटो की खोज कर रही है। उल्हासनगर 4 RGS स्कूल परिसर में सुनील छेड़ा नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है।
संबंधित व्यक्ति के घर में किन्हीं अज्ञात चोर द्वारा कुल 12,500 रुपए की चोरी कर ली गई है। पूरा मामला विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस IPC की धारा 457 और 380 के तहत अज्ञात चोरों की खोज कर रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हिन जन्म हर जन्म लाए वचन थो करिया हो मां जिते भी हुजा हो सिंध ते जो थिया सिंधु नदी जे हिन ग्रह ते सबनी खां वडे सनातन धर्म सिंधु या ये खणी चेजे त हिंदू ए सिंधु सभ्यता के जन्म दिनो उन महान सभ्यता जी धरोहर आहे सिंधी जेको खाख के सोन बणाए वो आहे सिंधी जे मिट्टी लाए पंहिंजो सब कुछ कयो कुर्बान वो आहे सिंधी मोहिन जे दरे जी सुञाणप आहे सिंधी हिन दुनिया जी सब खां प्राचीन संतान आहे सिंधी हो जे भाषा या तहजीब खाधो पीतो या अर्थ ज्ञान सभिनी खां मथे जंहिंजो नालो उहो आहे सिंधी पर अलाए छो एतिरी तकलीफ़ुनि खां पोइ बि ॿ ॿ दफ़ा पंहिंजो सभु कुझु विञाइण खां पोइ बि वरी पंहिंजी सुञाणप ठाहिण वारा जांबाज़ पंहिंजी अमण जो आंचल छॾे ॿिए कंहिं धर्म जो चोलो छो पाए रहिया आहिनि जेके उन वक़्तु न बदिलिया जॾहिं घर सड़ी रहिया हुआ जेके उन वक़्तु न बदिलिया जॾहिं माउ धीअ नुंहं जी इज़त लूटण लाइ चारो तरफ़ घिरियल हुआ उहे अॼु अलाए छो अलाए कहिड़ी लालच में अची पंहिंजे सनातन धर्म खे छॾे हिकु विदेशी धर्म खे अपनाए रहिया आहिनि वक़्तु ॾुखियो आहे पर इहा ई त इम्तिहान जी घड़ी आहे असां सभिनी सिंधियुनि खे गॾु थी वरी हिकु दफ़ो साबित करणो पवंदो त असां केरु आहियूं छा असां पंहिंजे अस्तित्व खे मिटजणु ॾींदासीं इन महान सभ्यता खे इतिहास जे पननि मां गुम थियणु ॾींदासीं जवाबु असां सभिनी खे ॾियणो आहे हिकु वॾी मुहिम 10 अप्रैल 2018 जंहिं में जुड़ंदा नंढा वॾा ॿार ॿुढा नेता संत महात्माऊं हिन जनम हर जनम लाइ वचन थो करियां हो मां जिते भी हुजा हो सिंध ते जो थिया कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हीअ हुई कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी वरी तव्हां सां मिलंदासीं कुझु नई ऐं ताज़ा तरीन ॼाण सां तव्हांजे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा धन्यवादु।